प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। केरल में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार 30,000 के आसपास बने हुए हैं। देश भर में सबसे ज्यादा केस केरल से ही रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसी बीच केरल में निपाह वायरस से पहली मौत रिपोर्ट की गई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े हो गए हैं। दरअसल केरल के कोझिकोड में 12 वर्षीय बच्चे में निपाह वायरस के संक्रमण के लक्षण मिलने की बात कही गई थी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे की इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई। निपाह वायरस से मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक निपाह वायरस से रविवार की सुबह बच्चे की मौत हो गई। इसके पहले बच्चे में इंसेफ्लाइटिस के लक्षण दिखे थे। अस्पताल में जांच के बाद निपाह वायरस की संभावना व्यक्त की गई। निपाह के संदिग्ध संक्रमण की सूचना मिलने के बाद केरल सरकार ने शनिवार की देर रात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। केरल सरकार के मुताबिक स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग समेत अन्य उपाय किए जा रहे हैं। अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टरों के मुताबिक निपाह वायरस संक्रमित सुअरों या फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है। यह लार, पेशाब या मल के जरिए फैलता है। WHO के मुताबिक संक्रमित लोगों में शुरू में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण दिखते हैं। इसके बाद चक्कर आना और इंसेफ्लाइटिस भी हो सकता है। गंभीर होने पर मरीज 24 से 48 घंटों के भीतर कोमा में चला जाता है। यह वायरस 4 से 14 दिनों तक एक्टिव रहता है। इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। खाने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।